ए कौन है रे, कौन है? ए अगर मर्द है तो सामने आना। ए कौन है? ए ए ए छोड़ छोड़ मुझे। ए ए भैया मुझे बचा लीजिए भैया, आराम से। हे क्या हुआ तुम्हें? यहीं पे रुको। ठीक से गिन लिया ना? बस ठीक ठीक। अब फल बेचना बंद करो और पैसे दो। साहब जो पैसे थे उससे हमने सामान खरीद लिया, अगले हफ्ते सारा चुका देंगे। ब्याज देकर इसे लेकर जाना। इसे छोड़ दीजिए, ये एक औरत है साहब। हैं? फिर हम सब लोग कौन हैं? क्या हम सब के दांत टूट चुके हैं? हाथ में लाठी लेके चलते हैं क्या? देखो अगर ज्यादा समय लगाओगी तो ब्याज बढ़ता रहेगा और ये माँ बनी तो जिम्मेदार तुम होगी। मेरा भांजा वीर है। आप यही चाहते हैं तो ले जाइए इसे। इसके पहले से ही 3 पति हैं साहब। पहले पति को इसने एक छोटी सी लड़ाई में सर पे पत्थर से मार मार कर इसने जान से ही मार डाला साहब। और दूसरे पति को जब वो सो रहा था तो नींद में ही उसका तकिए से मुंह दबाकर उसे भी मार डाला। और तीसरे पति को एक ही लात में घायल कर दिया। आजकल वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अब इसे एक नया साथी चाहिए। लेकर जाइए आप मेरे घर की राजकुमारी को। ए सुनो, अगर मैं इस जगह पे तुमसे फिर पैसे मांगने के लिए आया तो तुम मुझे झाड़ू लेकर सर पे मारना और जोर से मारना। चलो मामा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा। आइए आइए चले। आज के बाद से वो यहाँ से ऐसे भागेगा कि लौट के नहीं आएगा। डेकोरेशन अच्छा है। नमस्ते भाई। ए, चलो। ए, इधर आ, दे दो। आज हम आशीर्वाद देंगे। आइए आइए। नमस्ते वगैरह छोड़ और ये सब बंद कर। ये बता, दूसरों के साथ घूमने वाली लड़की की शादी किसी और से करा रहा है? क्योंकि तेरी बेटी का चरित्र ही ऐसा है। ये देख, अच्छी तरह से देख, देख लो देख लो, सब लोग देख लो, यहाँ पे देखो देखो। इसकी बेटी वो जो खड़े हैं ना उसके साथ चिपक कर खड़े होने वाला पोज देती है। करो, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें मत करो, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो। अच्छा, हम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारा बेटा ही इन सब की असली वजह है। चुप हो जाओ तुम। क्या जी, अपनी बेटी का चरित्र नहीं देखा? मेरा ही बेटा मिला था क्या इसके लिए? हमें ऐसे संबंधी नहीं चाहिए, हमारी तो इज्जत ही चली गई। बेटा चलो यहाँ से। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो लड़की मेरे ऊपर आकर गिर गई थी, उसे गलत फोटो निकालने वाला वो एमएलए का लड़का ही है और इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। जिस लड़की की शादी हो रही है उसके साथ घूमने वाला तू ही है ना? इसे जो शंख बजाना था वो तो बजा लिया, इसके बाद लोगों को जो करना है वो तो करेंगे। अरे अरे हाँ भाई चलते हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद इसके साथ कौन शादी करेगा? अब मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, आपकी बेटी की शादी टूटने की वजह अब सिर्फ मैं ही हूं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आपकी बेटी के साथ मैं शादी कर सकता हूं। तुम करोगे? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे।
हम दोनों की जाति अलग है, यह शादी होनी मुश्किल है, फिर भी तुम यह शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। बायां पैर अंदर रखकर जाना बेटा। बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, आराम से बैठो। क्यों बेटी ज्योति, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? पापा से नाराज हो क्या? नहीं पापा। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज ये बात साबित हो गई। जिसके साथ तैयारी की थी उसके साथ नहीं, बल्कि तुम दोनों की शादी होना तय था। कुछ दिन पहले तुम घर के अंदर आने में शर्मा रहे थे, और अभी मेरे दामाद बनकर बैठे हो। ये सब भगवान की लीला है, जिसे कोई नहीं समझ पाता। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग इस तरह शांति से बैठे रहोगे क्या? एक काम करो, तुम दोनों मंदिर जाकर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, ठीक है ना? सुनिए, लगता है बारिश होने वाली है, यही साइड में खड़े हो जाते हैं। Come on!
शेरवा, तुम भी? नहीं। मैंने तुम्हारी जान बचाई, ये तुम भूल गई क्या? मैं तेरा जिगरी दोस्त नहीं हूँ, तेरी जान लेने वाला यमराज हूँ मैं। नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। तूने मुझे हजारों लोगों के सामने मार कर बेइज्जती की, मेरी जान तो उसी दिन चली गई थी, इसीलिए आज मैं तेरी जान ले रहा हूँ। तू मेरी वाट लगाएगा? मदुरई में तूने शराब का साम्राज्य मिटा डाला था ना, मार डालिए इसे। Oh, my God.